अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच आ चुके हैं, आप और हम दोनों आपस में संवाद करते रहते हैं। हम सब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी आए, और नरेंद्र मोदी जी यदि देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तो भगवान रामलला की फोटो की रजत भाई सभी रजत बनानी हमें सीधे कर दिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आस्था रोड शो में पहुंचना है। बोले भारत माता जी। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी रजत से आग्रह करूंगा कि यहाँ आज कांग्रेस छोड़कर हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने वाले कार्यकर्ता हम सबको स्वागत करें और उसका मार्गदर्शन करें आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव। सब जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। सोनकच्छ की आज विधानसभा के खास करके देवास लोकसभा के अंदर सोनकच्छ विधानसभा इस मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद और सांसद पद के पुनः प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी जज साहब, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष माननीय राजीव खंडेलवाल जी राजीव भैया के लिए अभिनंदन करो भाई। मंच पर ही मौजूद हमारे बड़े भैया परिषद के समय के सीनियर माननीय जगदीश जी अग्रवाल, आपके प्रभारी हमारे लोकसभा के अभिनंदन करें जगदीश जी का। बहादुर मुकाती जी, बहादुर भाई लोकसभा संयोजक, और इस अवसर पर यहाँ के विधायक श्री राजेश सोनकर जी। वाकई राजेश बाबू आपने तो क्या धोबी पाठ मारा है, मेरे को कुश्ती का बहुत शौक है और कुश्ती एसोसिएशन का 15 साल से अध्यक्ष। पटकनी तो मैंने भी बहुत दी, लेकिन तुमने जैसी दी इसी तो किसी ने नहीं दी भाई। क्या धमक और क्या धूल उड़ी है, लोग धुएं धुएं हो गए, सूझ नहीं पड़ रही। जीत हो तो राजेश सोनकर जैसी होना चाहिए और झंडा फहराए तो सोनकर जैसा फहराना चाहिए। कितना जोरदार समय चल रहा है, मैं परमात्मा की दया से हम सब पूर्व जन्मों पे विश्वास करते हैं, और पूर्व जन्म पे इसलिए विश्वास करते हैं कि हम पढ़े। माननीय मोदी जी के किए काम, एक एक काम की याद दिलाना है, कितने प्रकार के काम एक व्यक्ति कर सकता है कोई अंदाजा तो लगा लो। सरकार की आपाधापी में और बहुत सारे काम बताने में कई जरूरी काम छूट जाते हैं। जैसे आप बताइए, मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और देवास भी उसके आसपास है। विक्रमादित्य का एक पक्ष न्याय के लिए भी जाना जाता है कि हमारे यहाँ पर विक्रमादित्य का न्याय, उनकी न्याय प्रियता। और विक्रमादित्य क्या, अपन तो हरिश्चंद्र से जोड़ते हैं, सनातन संस्कृति वाले जोड़ते कि नहीं जोड़ते हरिश्चंद्र से, जिसने कहा शमशान घाट पे खड़े होकर के वो चांडाल के यहां नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने बच्चे की लाश लेके उनकी पत्नी खुद आई और उनको बेटे से कहा, पत्नी से कहा, पत्नी के पास कुछ नहीं था, एक बच्चे की लाश थी, तन पे केवल एक साड़ी थी, और एक साड़ी लेकर पहन करके आने वाली महिला से कहा कि इस बच्चे को यहां जला नहीं सकते। तुमने क्या, क्यों? बोले इसका टैक्स लगेगा। उनकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। इतने में कई बार आपने सुग्रीव वाली वाला युद्ध देखा होगा, सुग्रीव वाली युद्ध के लिए भगवान ने कहा जरा युद्ध कर मैं मदद करूंगा। अब भगवान को क्या मालूम झंझट क्या है, अब भगवान ने तो भेड़ भेज दिया उसको। अब जैसे ही सुग्रीव वाली के सामने गया तो आधा मन तो पहले ही डरा हुआ था उसको, और आधा बाली को एक वरदान था कि आधा फिर उसके पास आ जाए। तो जैसे ही सामने गया तो जो कूटने लगे बाली, तो सुग्रीव भय पूरी तरह से वहां छोड़ छाड़ के
ऐसी वो कुश्ती तो हमने नहीं देखी, लेकिन 2014 के बाद 2019 का दोबारा हमने दंगल देखा। जो 14 में पिटे थे 115 बचे थे सांसद इनके, फिर लाके खड़ा करा ताकत के साथ। फिर जो मारना मोदी जी ने चालू करा धीरे धीरे, तो 52 रह गए एक बस की सवारी लायक, आधे से भी कम उसमें भी हो गए। और आप तीसरी बार फिर बुलाया, अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार तो इनकी अपनी सीट भी गंवा दी और पहुंच गया अमेठी छोड़ के। लोग कहते वो तो केरल में समुद्र आ गया, समुद्र तो वायनाड से लड़े, नहीं तो ये अरब से जाके लड़ते कहीं और कोई देश में जाके। अपने हिंदुस्तान में तो दम ही नहीं था इनका, ऐसी हालत थी। और अब फिर वायनाड का भी काठ की हांडी चढ़े कितनी बार, लकड़ी की रहती है नीचे चूल्हा जलता रहता है, तो जलते जलते जो दाल पक गई बाकी तो बर्तन बराबर है। ऐसे ये नहीं दादा, यही कहते ना हम, वहां पोल खुली अब हम बस भाग के आए। आने के टाइम दो टिकट रखवाई थी सुरक्षा, आपने सर 3 दिन तक रोक चला था, रायबरेली अमेठी, रायबरेली अमेठी। इसके पहले जीजा जी को